नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 29 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स के लिए अहम सूचना। अगर आप रोजगार की तलाश में बैठे हैं और आपको रोजगार से जुड़े समाचार की तलाश है, तो आप हमारे YouTube चैनल GOBPVT को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ज्ञात हो, हमारे चैनल पर आपको डेली प्राइवेट से लेकर सरकारी नौकरी की ताजा जानकारी मिलेगी। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA औरंगाबाद बिहार ने निकाली रख दिया। आज बिहार के 74 खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। चिनूक हेलीकॉप्टर के उड़ते ही गूंजे भारत माता के जयकार। अब बिहार छात्रों को आसानी से मिल सकेगी 3 साल की स्कॉलरशिप। बिहार के इलाकों में नहीं होगी चुनावी जनसभा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA औरंगाबाद बिहार ने निकाली रख दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA औरंगाबाद बिहार ने लीगल प्रैक्टिशनर के कुल मिलाकर 25 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार LLB और अधिवक्ता के रूप में 3 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य किया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट districts.ecourts.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। आज बिहार के 74 खिलाड़ियों को सम्मानित करेगी सरकार। आज नेशनल खेल दिवस के मौके पर बिहार के 74 खिलाड़ियों को सरकार सम्मानित करने वाली है, जिनको कि आज यानी कि रविवार को राजधानी के प्रेमचंद रंगशाला में आयोजित होने वाले खेल सम्मान समारोह में इस बार कुल मिलाकर 74 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 15 सामान्य और 59 दिव्यांग श्रेणी के राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से आयोजित समारोह के उद्घाटनकर्ता उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद होने वाले हैं, जबकि विभागीय मंत्री आलोक रंजन मुख्य अतिथि होंगे। ज्ञात हो, कोरोना के कारण इस बार खेल आयोजन कम होने के कारण सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या भी कम है। ITI परीक्षा 2021 का एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने बिहार ITI एडमिट कार्ड 2021 या इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस टेस्ट के लिए बीते दिन हॉल टिकट जारी कर दिया है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है, वो बिहार ITI हॉल टिकट 2021 को आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञात हो, इस परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर 2021 को होने वाला है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार जिन उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलती है, वो इसको लेकर 28 से 31 अगस्त के बीच में इसे ठीक करवा सकते हैं। ज्ञात हो, यह एडमिट कार्ड 2021 न केवल परीक्षा के दिन बल्कि उसके बाद भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। के उड़ते ही गूंजे भारत माता के जयकारे। बक्सर में 3 दिनों पहले इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भारतीय वायुसेना का बाहुबली चिनूक ठीक हो गया है और उड़ान भर के अपने गंतव्य तक पहुंच गया। आलम यह रहा कि जिस चिनूक को कीचड़ से निकालने के लिए 3-3 ट्रैक्टर का सहारा लिया गया, वो चिनूक इंजीनियरों की बदौलत ही कीचड़ से निकाला गया। हालांकि जब ऐसा हुआ तब वायुसेना के सैनिकों के साथ साथ स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। जैसे यह विमान अपने गंतव्य के लिए उड़ा, वहां मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट और भारत माता के जयकारे लगाए, जिससे पूरा स्कूल परिसर गूंज उठा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बक्सर के मनिकपुर हाई स्कूल के मैदान में बुधवार की शाम आपात स्थिति में चिनूक हेलीकॉप्टर को उतारा गया था। बिहार में जजों और कोर्ट की सुरक्षा होगी चुस्त। बिहार में जल्द ही जजों और कोर्ट की सुरक्षा चुस्त करने की योजना बनाई गई है। इस बाबत राज्य में सभी जजों और कोर्ट परिसर की समुचित व्यवस्था करने के लिए एक प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप का गठन किया जाएगा। इस PRG की जिम्मेदारी समय समय पर कोर्ट और जजों की सुरक्षा की समीक्षा करने की होगी। इसके साथ ही जहां सुरक्षा में कोई भी कमी देखी जाएगी या सुरक्षा मानक के अनुरूप नहीं होगी, वहां इसे तुरंत ठीक करने के लिए गृह विभाग को निर्देश दिया जाएगा। इसके साथ ही इस कमेटी के अध्ययन में कौन होंगे और इसका स्वरूप क्या होगा, इसका निर्धारण भी जल्द ही किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर से सभी स्तर के कोर्ट और जजों की सुरक्षा को लेकर एक सुरक्षा प्रोटोकॉल भी तैयार किया जा रहा है। इसे भी जल्द ही सभी राज्यों को दे दिया जाएगा, जिसके आधार पर इनकी सुरक्षा व्यवस्था बहाल की जाएगी। बिहार में
1465 चलंत दस्ता सिपाहियों की हुई नियुक्ति। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ना आपके लिए अब महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में जल्द ही ट्रैफिक नियमों को दुरुस्त करने के लिए 465 चलंत दस्ता सिपाहियों को नियुक्त कर दिया गया है। जिसको लेकर बीते दिन बिहार सरकार में परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में विश्व सरैया भवन सभागार में चलंत दस्ता सिपाहियों के इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर चलंत दस्ता सिपाही के 34 सिपाहियों को शीला कुमारी के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। बाकी के चयनित सिपाही को 1 सितंबर को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं इस दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन से संबंधित नियमों अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने, ओवरलोडिंग पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने और प्रवर्तन तंत्र को और प्रभावी बनाए जाने के उद्देश्य से चलंत दस्ता सिपाहियों की नियुक्ति की गई है। अवैध बालू खनन में हटाए गए 4 SDPO से शो कॉज। बालू के अवैध खनन में संलिप्तता के आरोप में हाल ही में 4 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया गया था। अब बीते दिन इन्हें शो कॉज जारी किया गया है, जिसके बाद अब इन पुलिस अधिकारियों को उन पर लगे आरोपों के मद्देनजर बचाव में 15 दिनों के अंदर लिखित जवाब देना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही अवैध बालू खनन में EOU की जांच रिपोर्ट पर 41 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। कैसा रहेगा आपके जिले के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज में आज कुछ ही जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी आज कुछ ही जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के अधिकतर जगहों पर आज बारिश होने का अनुमान जताया गया है। वहीं दक्षिण पश्चिमी बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ ही स्थानों पर बारिश को लेकर अनुमान लगाया गया है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय के कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया के अधिकतर जगहों पर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। पंचायत चुनाव से पहले इन अफसरों को हटाने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। इन सबके बीच राज्य निर्वाचन आयोग भी कई दिशा निर्देश जारी कर चुका है। इसी के साथ चुनाव में संबंधित आयोग ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग ने वैसे सभी अफसरों को हटाने के निर्देश दिए हैं जो कई सालों से एक ही जगह पर तैनात है। एक ही जिले में 3 साल से पदस्थापित DSP रैंक के अफसरों के अलावा थाने में तैनात इंस्पेक्टर और दरोगा को स्थानांतरित करने को कहा गया है। इसको लेकर आयोग की तरफ से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को पत्र भी जारी किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस आदेश के बाद DSP इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर स्थानांतरित किए जाएंगे। अब बिहार के छात्रों को आसानी से मिल सकेगी 3 साल की स्कॉलरशिप। बिहार के सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लाखों छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ आसानी से देने के निर्णय को हाल ही में जारी किया गया है। इस बाबत बिहार सरकार ने हाल ही में एक पोर्टल को लॉन्च किया है। मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए शिक्षा विभाग ने NIC की मदद से बिहार का अपना ऑनलाइन पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in तैयार किया है। अब इसके लिए बिहार के बच्चों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बाबत शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने साफ कहा है कि अब तक की व्यवस्था से गरीब तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा था, लेकिन NIC द्वारा पोर्टल तैयार कर देने से यह इंतजार खत्म हो जाएगा। शिक्षक नियोजन की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। बीते दिन शिक्षक नियोजन की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके तहत फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नालंदा के 26 अभ्यर्थियों का चयन किए जाने की पुष्टि हुई है, जिसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने ट्वीट करके दी और बताया कि नालंदा जिले के 26 अभ्यर्थियों के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक नियोजन में शामिल हुए हैं, जिन पर अब कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस बाबत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि शिक्षक नियोजन में जहां भी फर्जीवाड़े की सूचना मिल रही है वहां तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। हम तो कहते हैं कि फर्जी करने वालों को हमारे सामने लाइए, हम कार्रवाई करेंगे। दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार और विभाग प्रतिबद्ध है। पटना के डबल डेकर एलिवेटेड रोड का उद्घाटन 31 को करेंगे CM नीतीश। बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली है, बिहार में सड़कों की सूरत ही बदल गई है। आलम यह है कि बिहार में गली नुक्कड़ की सड़कों से लेकर NHSS सब पर जोर शोर से काम हो रहा है। इन सबके बीच बिहार में अब जल्द ही डबल डेकर एलिवेटेड रोड का लुफ्त भी बिहारवासी उठा सकेंगे, जिसका उद्घाटन 31 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एलिवेटेड रोड के निर्माण से अशोक राजपथ से लेकर पटना सिटी तक के लोगों को जाम से राहत मिलेगी।
विभाग के आकलन के मुताबिक इसमें करीब 3.5 लाख की आबादी को सीधे तौर पर फायदा होगा। पीएमसीएच में इलाज के लिए जाने वाले लोगों को घंटों की जाम से राहत मिलेगी। इसके साथ ही दशकों पुराने मार्केट को फिर से नया जीवन मिल सकेगा। संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई तय। बिहार के सरकारी कर्मियों और अधिकारियों को सरकार ने बार बार अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करने के लिए कहा है। बिहार सरकार के नियम के तहत समूह क से ग तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को हर साल अपनी चल और अचल संपत्ति और दायित्वों का ब्यौरा देना अनिवार्य है, लेकिन अब तक कई ऐसे कर्मी और अधिकारी है जो सरकार की बात को गहनता से लेना उचित नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में अब बिहार सरकार ने इन कर्मियों और अधिकारियों पर भी नकेल कसना शुरू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष के साथ प्रमंडलीय आयुक्त और जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। संपत्ति का विवरण नहीं देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा। बिहार के इन इलाकों में नहीं होगी चुनावी जनसभा। राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो पंचायत चुनाव को लेकर बिहार भर में जनसभा का आयोजन तो करवाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर इसकी रोक रहेगी। आयोग की माने तो ये वैसे इलाके हैं जो सीमांचल के आसपास के हैं। ये वो इलाके हैं जो इंडो नेपाल और बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के हैं। जानकारों का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह फैसला सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस बाबत आयोग ने हाल ही में एटीएस के एडीजी से भी बातचीत की थी। इस दौरान एटीएस के एडीजी रविंद्रन शंकर ने पूर्णिया रेंज के आईजी और पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज के पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि सीमा से सटे इलाकों में चुनावी सभा की इजाजत ना दी जाए। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीमा से सटे इलाकों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अभी से ऐतिहासिक कदम उठाना शुरू कर दिया है। मधुबनी के यश को करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से देश के युवाओं को प्रेरित करने का काम काफी बार किया है। इसी से प्रेरित होकर बिहार के एक किशोर यश झा ने कारनामा कर दिखाया है, जिसके तहत मधुबनी के रहने वाले यश ने दो ऐसी कहानियां लिख दी हैं जिसको लेकर पीएम मोदी उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। यश फिलहाल मधुबनी के पॉल स्कूल के 11वीं के छात्र हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में युवाओं को स्थानीय वीरों की गाथा लिखने को प्रेरित किया था, ताकि अनसुने वीरों की गाथाएं दुनिया तक पहुंचाई जा सके। जिसके बाद अब आने वाले 12 जनवरी 2022 को युवा दिवस के दिन पीएम मोदी खुद यश को सम्मानित करेंगे। चिराग पासवान ने दिए मध्यावधि चुनाव के संकेत। जब से बिहार विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ है, तब से ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के रिश्ते में तल्खी आ गई है। यही कारण है कि आए दिन लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई ना कोई टिप्पणी जरूर करते रहते हैं। इसके तहत उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से अपने औरंगाबाद दौरे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए साफ कहा कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। बिहार का सियासी पारा गर्म है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास करने के बजाय अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। कौन अध्यक्ष होगा, कौन नेता होगा, यह बात जातीय समीकरण साधने में वो लगे हुए हैं। जदयू में बढ़ी हलचल यह बताने के लिए काफी है कि बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के हाथ से कभी भी छिन सकती है। सोने के मुकुट और 70 किलो सिक्के से तौले गए उपेंद्र कुशवाहा। बीते दिन जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को शिवहर जाने के क्रम में मीनापुर में जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। मुस्तफागंज बाजार के कर्पूरी भवन में ही आयोजित भव्य कार्यक्रम में उन्हें सिक्कों से तौला गया। बताया जा रहा है कि करीब 70 किलो वजन सिक्कों का था जो जन सहयोग से जुटाया गया था। उसके बाद उन्हें स्वर्ण मुकुट भी भेंट किया गया। सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से अभिनंदन समारोह किया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान कहा कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है, आपके द्वारा ताकत मिलती रही तो अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान को पूर्ण रूपेण लागू कर समतामूलक समाज की स्थापना की जाएगी। जदयू के पोस्टर से पार्टी के बिग बॉस का हुआ खुलासा। इन दिनों पोस्टर पर चेहरा चमकाने को लेकर काफी बवाल देखने को मिला है, जिसके कारण किसका चेहरा पोस्टर पर है और किसका नहीं इसको लेकर काफी बवाल हुआ। हालांकि अब बीते दिन जदयू की तरफ से जारी किए गए पोस्टर से जदयू के बिग बॉस का खुलासा हो गया है। इतना ही नहीं, जदयू में कोई गुटबाजी नहीं है, ना ही कोई पावर सेंटर है, इस बात के भी साफ संकेत मिल गए हैं। जिसके तहत बीते दिन जदयू दफ्तर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये पोस्टर साफ साफ संदेश है कि जदयू का मतलब केवल नीतीश कुमार ही है। इन पोस्टर के बहाने ये भी साफ करने की कोशिश की गई है कि जदयू में ना तो कोई दूसरा पावर सेंटर है और ना ही कोई गुट है। गोपाल मंडल ने तारकिशोर प्रसाद को कहा आई लव यू। जदयू के गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने पिछले दिनों बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो जब क्षेत्र में आते हैं तो पैसा वसूलते हैं। ऐसे में गोपाल मंडल का बयान बदल गया है, जिसके तहत बीते दिन गोपाल मंडल ने अंग्रेजी में आई लव यू कहा है। इस दौरान बोलते हुए गोपाल मंडल ने कहा कि तारकिशोर प्रसाद मेरे अभिभावक हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान के लिए माफी भी मांगा है। बता दें कि इस बयानबाजी के बाद गोपाल मंडल को शो कॉज हुआ था।
ये भी बता दें कि गोपाल मंडल के विवादित बयानों के बाद बिहार के सियासी गलियारे में गहमा गहमी भी शुरू हो गई थी। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों ने 1612 में पुर्तगालियों को हराया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत भारत में शिक्षा को समर्पित शिक्षा विभाग को 1947 में पुनर्स्थापित किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया। कांग्रेस ने 1957 में नागरिक अधिकार अधिनियम 1957 पारित किया था। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बवाल के शुभ होकर टाटा मोटर्स ने 2008 को सिंगूर में नैनो परियोजना स्थल से अपने कर्मचारी हटा दिए थे। झारखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने 2008 को विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया था। भारत के एक प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक जीवन राज मेहता का जन्म 29 अगस्त 1887 को हुआ था। भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म भी 29 अगस्त 1905 को हुआ था। आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को मिली जीत। दोनों टीम अब 1-1 के साथ बराबरी पर। लीड्स के हेडिंग्ले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड टीम जीत गई है। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम 278 रनों पर सिमट गई और इंग्लिश टीम ने मैच को एक पारी और 76 रनों से अपने नाम कर लिया। ज्ञात हो बीते दिन मैच का चौथा दिन था और भारतीय टीम 432 रनों के आंकड़ों को छुपाने में नाकामयाब रही। चौथे दिन महज एक घंटे में ही भारतीय टीम के एक के बाद एक चार बल्लेबाज आउट हो गए जिनके भरोसे जीत के सपने संजो रहे थे। पहले पुजारा, फिर कप्तान विराट कोहली, फिर अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत एक के बाद एक आउट हो गए। मैच के तीसरे दिन अपने 91 रनों की पारी से भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करने वाले चेतेश्वर पुजारा चौथे दिन का खेल शुरू होने के साथ ही बिना खाता खोले LBW आउट हो गए। इस दौरान वो शतक बनाने से चूक गए। अमेज़न ने धमाकेदार फीचर को किया लॉन्च। अमेज़न ने हाल ही में एक और धमाकेदार फीचर लॉन्च किया है जिसके तहत ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़न ने अपने चुनिंदा ग्राहकों के लिए बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन पेश किया है। इस फीचर के आने के बाद ग्राहक $50 या उससे अधिक की खरीद की कुल लागत को मासिक भुगतान में विभाजित करके पेमेंट कर सकेंगे। कंपनी ने इस सुविधा के लिए पेमेंट नेटवर्क अफर्म के साथ साझेदारी भी की है। जिले में होगी BCA की बैठक। 12 सितंबर को BCA की वार्षिक आम सभा की बैठक का आयोजन होने वाला है जो कि बिहार के जमुई जिले में आयोजित करवाई जाएगी, जिसकी जानकारी बिहार क्रिकेट संघ के जिला संघों के प्रतिनिधि सह कार्यकारी सचिव संजय कुमार सिंह ने दी है। इस बाबत उन्होंने बताया कि 12 सितंबर को होने वाले बैठक की जानकारी सभी सदस्यों को दे दी गई है। इनमें सदन के सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से वेबिनार के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है। वहीं इस बैठक के जमुई में आयोजित होने को लेकर कार्यकारी सचिव ने अपनी खुशी जाहिर की है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा कि जमुई जिला भगवान महावीर की धरती है और पहली बार BCA जैसी बड़ी संस्थान की वार्षिक आम सभा की बैठक होना अपने आप में गौरवशाली है। जदयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की हुई बैठक। बीते दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में जदयू प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हुए थे। ज्ञात हो बीते दिन आयोजित बैठक में आज होने वाली राष्ट्रीय परिषद की बैठक का एजेंडा राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में तय किया गया। वहीं आज आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, RCP सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, 23 राज्यों के अध्यक्ष, सभी सांसद, राज्य सरकार के मंत्री समेत करीब 250 नेता शामिल होंगे, जो कि करीब 3 बजे के आसपास आयोजित होने वाली है। जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 28 अगस्त को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,880 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,190 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,800 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.99 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल 94.75 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है मितीश प्रेमी, दशरथ कुमार, बिदुर कुमार, रजा कुमार, बंटी कुमार, रामू कुमार, विकास कुमार, उत्तम शर्मा, सोनू कुमार, सचिन कुमार, शशि भूषण, अमित कुमार, गुड्डू कुमार, सत्येंद्र कुमार, कुंदन कुमार, आनंद सिंह, सुधीर कुमार, बबलू यादव, रंजीत कुमार, अमन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को मिली हार का अहम कारण क्या हो है। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।